हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आप सोच रहे हो बैग लटका के सुबह सुबह क्या कर रही है। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं घर को। दीपावली है ना, तो घर ही में बनाएंगे सब साथ में। तो हम लोग घर जा रहे हैं, और घर जा रहे हैं हम सुबह सुबह मॉर्निंग में। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6:30। हम लोग उठ गए थे पहले ही। डॉली बस तो नहीं चलेगी नहीं, हम लोग वेट कर रहे हैं बस का। बस में जाएंगे ना हम, क्योंकि टिकट कम लगता है बस में, है ना। और हम सुबह सुबह पहुंच जाएंगे घर, क्योंकि काम भी है ना घर में। हम लोग गए नहीं इतने दिन से, तो काम तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। चल जल्दी, खिड़की बंद करना भूल गई यार साइड से। बारिश हुई थी शायद यहाँ सुबह, शायद नहीं, मैं उठी थी बाहर, बारिश की आवाज़ आ रही थी ना उस टाइम। बज रहा था 4 बज रहा था, तो मैं उठी थी, मैंने देखा कि बारिश हो रखी थी बाहर। अभी भी लग रहा है बारिश हो रही करके, बहुत ठंडा हो रहा है गाइस। अभी हो रखी है ना, बारिश हुई थी कल रात। गाइस, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं बस का। बस आती है 7 से 7:30 के बीच में, कभी भी आ सकती है। तो फिर हम लोग कितना बज रहा है अभी, हम लोग 7 बजे से बैठे हुए हैं यहाँ पे। 7:16 हो गया अभी, देखते किस टाइम पे आती है। सकती क्योंकि आज दीपावली का टाइम है, तो सीट नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेंगे हम। सीट नहीं मिलेगी तो खड़े हो जाएंगे, वो करेंगे फिर वो लोग यहाँ उतार देंगे, नहीं खड़ा कर देंगे। अच्छा गाइस, हमें बस तो मिल गई फाइनली। सामान बहुत ज्यादा है। छिलका छीना में अभी टाइम कितना हो रहे है, 8:50 में पहुंचे हम यहाँ। 7:30 से बैठे थे। ये देखो कितना मस्त है ना यहाँ पे को। पर आज 7:30 से लेट कर रखी थी बस में ना, तो सुंदर लग रहे थे। गैस, ये है छिलका छीना, यहाँ का हम व्यू दिखाते हैं। ये है मतलब हल्द्वानी वाली रोड है, सीधे देवी थोड़ा जाएगी, ये लॉग हट को जाती है, और ये पाटी साइड को देवी थोड़ा हल्द्वानी, और ये है जो ये हमारे यहाँ जाती है थुआमोनी, और यहाँ से अल्मोड़ा भी जा सकते हैं इस रोड से सीधे। अल्मोड़ा भी और लॉग हट भी जा सकते हैं इस रोड से सिमलखेत होते हुए। तो फिर गाइस चलते हैं आगे का रास्ता, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ रोड। ये सीधे रोड नीचे को जाएगी, और हम लोग यहाँ पे से कट, ये हमारे थुआमोनी गांव के लिए पैदल रास्ता, शॉर्ट रास्ता यानी कि, तो हम यहीं से जाएंगे सीधे। देख लो गाइस, अगर किसी को पैदल आना होगा तो जल्दी में वो यहां पे से, ठीक है। मैंने पूरा अच्छे से दिखा दिया है आप लोगों को। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सतबैनी पत्थर के पास। मैंने आप लोगों को इसकी स्टोरी तो बताई दी थी, जितना भी मुझे पता था मैंने वो सब बता दी आपको स्टोरी। तो अभी हम यहीं पे पहुंचे हैं, तो अब हम आगे का रास्ता भी आप लोगों को दिखाएंगे। चलते हैं फिलहाल। भालू का पत्थर है यहाँ पे, भालू ना पॉटी करके जाता है ना। ये देखो की भी है थोड़ी सी। अभी हम यहाँ पर पहुँचे। स्टोरी तो बहुत आगे चलेगी, मैं ब्लॉग एडिटिंग की वजह से यही रुक गई, क्योंकि कल रात मैंने ब्लॉग एडिट नहीं किया ना, तो अभी धनतेरस वाला कल का ब्लॉग अभी डालूंगी, तो इसीलिए। गाइज, मैंने ब्लॉग अपलोडिंग के लिए लगाया था ना, अभी तक 10% भी नहीं हुआ अपलोड। मुझे लग रहा है ना यहाँ नेटवर्क इशू है, जियो में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। पता नहीं मेरे ब्लॉग अपलोड होगा या नहीं होगा, पता नहीं। सारा नेट ख़त्म हो जाता है गाइस, फिर भी ब्लॉग अपलोड नहीं होता है, तो गुस्सा आता है ना फिर मुझे। अब मैं, मुझे लग रहा है कि जब मैं यहाँ से जाऊँगी ना, तभी वहीं अपलोड करूँगी। अब मैं यहाँ तो नेटवर्क नहीं आ रहे, फिर अब मैं क्या करूँगी, खाली मेरा नेट वेस्ट होगा। कैसे चलेगी है आगे आगे, मेरे को पकड़ा के ये सामान, तू पकड़। हमारा गांव बहुत ही अच्छा है,
यहाँ मुझे यहाँ आके सुकून मिलता है, मतलब जब मैं यहाँ आती हूँ बहुत क्या 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 दोबारा बोलना, तो एक मिनट। अपना गांव बहुत अच्छा लगता है, जैसे ही मैं छह महीना से नीचे को आने लगती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अपने गांव में आ गई हूँ। अच्छा वाह, पैसे ही नहीं है कहाँ से खिला देना। यार ये डायलॉग मैं कब से सुनते आ रही हूँ, ये डायलॉग कभी सच ही नहीं हुआ है। हर बार पैसे आ ही जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं, खजाना ऊपर से बरसता है ना भगवान जी। तेरे पास होते हैं सब भी कहती है कि नहीं है रे चिची, तुम लोग अब सच नहीं मानोगे ना, जब पैसे नहीं होंगे तो तब भी सच नहीं, कोई बात नहीं मत मान। जो 100 बार झूठ बोलेगा 1 बार सच बोलेगा। सच गाइस कितना वो करती है ब्लॉग में आके, खाली भी आके नहीं, ये तेरी रियल है, रियल डालूंगी नहीं मैं, ये इतना बेइज्जती कर रही है खाली बेफालतू में वो भी। मैं क्या बेइज्जती कर रही हूँ, सबसे कहती है बेइज्जती करती, काजल जी से कहती है मेरी बेइज्जती करती है, और मुझसे लड़ती रहती है, और मुझसे कहती है बेइज्जती करती है, और काजल जी कहती है बेइज्जती करता है, तो क्या कब कहा मैंने झूठ, कम कम बोल। काजल जी के हर एक ब्लॉग में तो लड़ाई करती होगी काजल जी से। झूठ था ना ये सब, तू झूठ बोल रही थी, अभी तक बोल दे जल्दी। सच था, सच ये सच कोई नहीं बदल सकता है। काजल जी से ये पूछवा दूंगी, काजल जी तो वैसे भी अच्छा ही मानती है। बस बस हो गया। बस यार गाइस सुबह से पकड़ करके आ रही, टाइम टाइम में मुझे दिखा दे, बिल्कुल नंबर 1 लग रही हूं मैं, क्योंकि मैं काम कर रही हूं करके। काम नहीं कहते हैं इसे, इसे ना कहते हैं कि जो सामान जो इंसान कमरे से निकाल के लाएगा तो वो ही लेकर जाएगा घर। ज्यादा नहीं बोल रही है, मैं ज्यादा कहाँ बोल रही हूँ, पीछे नीचे गिर जाएगी, गिरेगी तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। गाइस हमारा गांव है देखो, और गाइस ये हम लोग यहाँ दौड़ने आते थे तो ये बीम लेने वाला है नीचे, आपको दिखाती हूँ मैं जूम करके, ये यहाँ पे, तो यहाँ बहुत सुंदर है, ये यहाँ का व्यू ऐसा है, और ये हमारा सामने मंदिर है, ये यहाँ मैं बताऊंगी मंदिर के बारे में, हमारे देवता का मंदिर है, वैसे भूम्या कहते हैं, भूम्या देवता मंदिर है गाइस, वो सामने पे दिखा दी जूम करके, दिखा दिया है मैंने गाइस। तो फिर अब हम पहुंच ही गए, ये हमारा गांव है, अभी आगे से दिखाएंगे गांव, ठीक है, गांव आगे से दिखाएंगे। और किसी ने लकड़ी काटी हुई है यहाँ पे रास्ते में, तो हम चलते हैं आगे को, जैसे जैसे अब बता रहे हैं कि आपको, ये हमारी पानी की टंकी है, यहाँ से ही पानी जाता है गांव के लिए सभी जगह, अभी ये है, अभी हम पास में जाएंगे ना तब दिखाती हूँ अब टंकी, आगे टंकी है करके, हम जा रहे हैं अपने घर पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, आपको हम दिखाएंगे अभी घर पहुँचेंगे तो। और ये जो मैं कह रही थी आपसे, ये है वो टंकी सामने, यहाँ से सारे गांव में पानी सप्लाई होता है। हाँ चचा कहाँ जन्ना बैठी ने, अरे ये हम जा रहे हैं अपने घर को, अब मैं अपना गांव दिखाती हूं, गांव तो दिख ही नहीं रहा है, अब दिखा रहे गाइस, ये हमारा छोटा सा गांव है थुआ मोन, छोटा सा गांव है, और ये हम बहुत अच्छा लगता है यहाँ का, और ये देखो ये, और ये है सामने कानाकोट, पर दिख नहीं रहा है धूप की वजह से, कोहरा लगा हुआ है, तो वहाँ पे ये छनाधार है, ये है हमारा गांव, ये हमारा गांव है, छोटा सा गांव है गाइस, ये हमारा घर दिख रहा है, ये रहा हमारा घर, पुराना घर है, पुराना घर है, पर मुझे ये अच्छा लगता है, बहुत अच्छा घर, ये अभी भी है मतलब हमारा घर वैसे, और ये चल अब कानाकोट दिखाएंगे आगे से, बस कर इतना ही बना, ये है गाइस छनाधार, इससे आगे पटन गांव भी है इससे आगे, और फिर मतलब इससे इस साइड जो पहाड़ है उसके उधर पटन गांव में पड़ता है शिवालय, हम शिवालय जाते हैं जब शिवरात्रि का मेला होता है तो हम जाते हैं, ये है छनाधार, फिर इससे आगे बुंगा भीड़, बुंगा भीड़ के बाद पड़ता है
फिर उसके बाद पड़ता है पटन गाँव। पटन गाँव में हम जब शिवरात्रि होती है तो हम जाते हैं शिवरात्रि में, तो हमें वो मेला बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं 2-3 साल से गई नहीं हूँ, तो अब इस बार मैं पक्का जाऊँगी। मार्च के टाइम पर होता है वो, शिवरात्रि के मेले के दिन होता है, और वहाँ बहुत अच्छा मंदिर है। आपको जब हम जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। चलो फिर गाइस, अब हम हुसन पहाड़ों का मारो महीने यहाँ मौसम ये। अब हम पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा रास्ता हो रहा है बस। सो गाइस, हम लोग फाइनली घर में पहुंच चुके हैं, अभी पहुंचे हम। जस्ट कितना बज रहा है रॉली? 10:15। तो फिर अब हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं, वरना सुबह जल्दी उठ गए थे। फिर मिलते हैं, ठीक है गाइस। वो दिखा रही हूँ पागल, नीचे बोलना मत वरना तेरी आवाज पचार ली। लक्ष्मी जी के पांव बना रहे हैं। अरे मेरे को मत लेना, रुक जा मैं एक बार। गाइस ये देखो गफी ने बना रखी है डेली, मैंने सिर्फ इसमें येलो बुक किया है बस। और ये पैर बनाए हैं ऋतिक ब्रोडे, और ये आधा ही छोड़ के चले गया क्योंकि मैं इसकी वीडियो बनानी थी ना। वैसे भी इसको पता है कंप्लीट हो गया, क्योंकि दिया भी सजा चुक दिए। ये देखो दिए पे भी पेंटिंग कर दी। गाइस गफी कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, कहीं कहाँ? गैस मशीन का काम करने के लिए जा रहे हैं हम अभी, इसको करना है नहीं। गैस प्रीति काट रही है, देखो दोनों दोस्त हैं। गेम खेलने में भी अच्छी है, आईडी बनानी पड़ेगी गेम खेलने के लिए। थे वो नंबर लिख बना रहे हैं मीठे वाले करेले की सब्जी, साथ में मूली भी मिक्स करेंगे और आलू। क्या खाली करे थे? क्यों आलू मूली काट फिर जल्दी ले आए। मैंने तो कुछ नहीं काटे हैं, वहाँ कढ़ाई रखने के लिए बोल दिया मैंने। गाइस मैंने डेली पे तो लाल पेंट लगा दिया है, ये सीमेंट ना खुरदू रहा है इसमें, अच्छे से नहीं हुई है। मैंने पेंट कर दिया है, ये मेरे भी कर दिया है पेंट। डेली मैं कल को बनाऊंगी क्योंकि ये सूखा नहीं है ना, गीला ही अभी रात को कर रही हूँ, तो सुबह मॉर्निंग में बनाऊंगी, दिन में बनाऊंगी।